ಜಂಗ ಪ್ರವಜಂತ ಮನುಪೀತಮಪೀತ ಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ವಿರಹ ಕಾಂತರ ಆಜುಭಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋ ವಿನೇದುಂ ಸ್ತಂ ಸರ್ವ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಮುದಿರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಿಯಾದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತವೃಂದ ಸರ್ವರ ಹಾತ್ಮಗಳು ಬಲ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಜೋರ್ ಕರೆದು ಬಲ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮೃಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಕಮಲಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾಂ. ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮೃ ಶಿಖ್ಯಾ ಗುರುಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಚರಣ ಸರೋಜಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾಂ. ಉಪಸ್ಥಿತ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭಾಯಿ ಬಹಿ ಸಭಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಯಥಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ. ಗತಗಲ್ಲೆ ಹಮ್ ಲೋಕ ಶ್ರವಣ ಕರಿ ರೇ ಥೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಥಾಕಿ ಮಹಾತ್ಮ ಕೋ ಹಮಾರಿ ಟೀಕಾಕಾರೋ ನೆ ಬತಾಯೆ ಕಿಸಿ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಅಗರ ಹಮ್ ಸಮಜನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಕತೆ ಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣ ಸೆ ಓ ಗ್ರಂಥ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕೋ ಸಮಜನಿ ಚಾಹಿ ಬಲೆ ಪಹಿಲಾ ನಂಬರ್ ಬಲೆ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಕೌನ್ ಸುನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಕಲ್ ಸುನೆ ಥೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಅಗರ ಕರೋಡೋ ಜನ್ಮ ಕಾ ಪುಣ್ಯ ಕಹಿ ಉದಯ ಹುವಾ ತೋ ತಭೀ ಈ ಕಥಾ ಕೋ ರಖ ಸಕತೆ ಹೈ ಔರ್ ಈ ಕಥಾ ಕೋ ಸುನ್ ಸಕತೆ ಹೈ ಏಕ ಜನ್ಮ ನಹಿ ಬೋಲೆ ಬಹು ಜನ್ಮ ಸಮರ್ ಜಿತೆ ಬಹು ಜನ್ಮ ಕಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ ಹೋ ಅಗರ ಕೋಯಿ ಬೋಲೆ ಹಮ್ ತೋ ಕೋಯಿ ಪುಣ್ಯ ಕಿಯಾ ಹೈ ಹಮ್ ತೋ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಪಾಪಿ ಫಿರ್ ಈ ಕಥಾ ಕ್ಯಾ ಹಮ್ ಫಿರ್ ಸುನ್ ನಹಿ ಸಕತೆ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ ಹಮ್ ಸುನ್ ರಹೆ ಥೆ ಶ್ರೀ ಧುಂಧುಕಾರಿ ಕಿ ಕಥಾ ಯೇ ಧುಂಧುಕಾರಿ ಇತನಾ ಬಡಾ ಪಾಪಿ ಥಾ ಉಸ್ನೆ ಪಿತಾಜಿ ಕೋ ಇತನೆ ಸತಾಯಾ ಇತನೆ ಸತಾಯಾ ಪಿತಾಜಿ ಘರ್ ಛೋಡ್ ಕರ್ ಚಲೇ ಗಯೆ ಮೈಯಾ ಜಿ ಕೋ ಇತನೆ ಪಿಟಾಯಿ ಕಿ ಮೈಯಾ ನೆ ಕುವೆ ಮೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕಿ ಫಿರ್ ಉಸ್ನೆ ಛೇ ಛೇ ಬೇಸ್ಯಾ ಕೋ ಘರ್ ಮೇ ಬುಲಾ ಕರ್ ರಖಾ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಫಿರ್ ಚೋರಿ ಡಾಕೂ ಗುಂಡಾಗಿರ್ದಿ ಕಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಯೇ ಛೇ ಬೇಸ್ಯಾ ಹೋನೆ ಇತನೆ ಬುರಿ ತರಹ ಕೋ ಉಸ್ಕೋ ಮಾರೇ और घर में गड्ढे खोद करके चली गई। बाद में वो बन गया फिर प्रेतात्मा बना। गोकर्ण ने जब उसको नाम पर गया में पिंड दी, जब उसने घर में वापस आया देखा भैर भूत बनकर बैठा हुआ। बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया, क्या तेरे को फिर मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया मैंने इतना पापी हूं, मेरे नाम पर एक बार क्यों, सौ बार भी पिंड दोगे मेरे को मुक्ति मिलने वाले नहीं। इतना पाप हमने की है। जब उन्होंने सूर्य देवता को प्रश्न की मेरी भैया को मुक्ति कैसे मिलेगी, सूर्य ने कहा ये भागवत कथा सुना। केवल इसी भागवत कथा से ही जीव को मुक्ति मिल सकती है। मतलब है हम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल एक बार आओ और केवल कथा में बैठ जाओ, कुछ भी आपको डरने का जरूरत नहीं। केवल ये भागवत कथा लो, कहते जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो उसको ये भागवत कथा हमको भगवत प्राप्त करा देता है, सारे पाप से उसको मुक्ति दिला देती है। इसलिए कहते कि पापी से पापी भी कथा सुनकर के मुक्ति मिलती है। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे कितना बार हम सुन चुके हैं, सुने सुनाई कथा को हम कितना बार सुनेंगे, हैं? हम सब जान कर रखे, हम किसी चीज की हमें कमी नहीं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें सुनने का कोई जरूरत नहीं।
अगर ऐसे कोई बोले तो उसके लिए उदाहरण दिया है, कहते आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते। ये सुखदेव गोस्वामी मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, 16 साल तक मातृगर्भ में रहे, फिर जब जन्म हुए फिर उन्होंने संन्यास लेकर के फिर जंगल में चले गए और संपूर्ण ब्रह्म में पूरा उसमें डूबे हुए थे, इतने बड़े महात्मा से सुखदेव गोस्वामी। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी जब उन्होंने केवल भागवत का एक श्लोक को सुने वो पागल हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके फिर आए और उन्होंने पूरी ये भागवत कथा को, पूरी कथा को उन्होंने सुने। तो यहाँ शिक्षा देते हैं हम जितने बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो, जितने बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, भगवान कथा में इतने रस है, इतने आनंद भगवत कथा में, तभी ये कथा को सुन सकते हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वो एक बात कहते हैं, बोले राम कथा जय सुना त अघाई, राम कथा जय कोई बोले भैया कथा सुनते सुनते मैं तो बोर हो गया हूँ, कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, कितना सुने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर ऐसे कोई बोले ना, अब ये समझो वो रस है क्या चीज उसको बताएं। अब देखो अगर एक टाइम हमें रोटी नहीं मिले ना, बोले हाय रोटी रोटी का मुंह दिन भर देखे। अगर हमें एक टाइम अगर रोटी नहीं मिलता तो हम पागल बन जाते हैं, फिर क्या भगवान कथा में रस नहीं है। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत हुए, बहुत बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े वो संत हुए, पहले राजा नवाब के, बंगाल का जो नवाब राजा था उसका जो प्राइम मिनिस्टर थे हैं, उसी समय में जब उनको भक्ति की चस्का लगी, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके प्रभु की भक्ति करने के लिए वो आए। वो एक श्लोक कहते हैं भगवान की कथा में, कृष्ण नाम में कितने रस है। बोले तुंडे तांडव निवित वितनुते तुंडा बलि लभे, कर्ण क्रणो कड़विनि घटयते कर्णा बुधे वस्पृहा, चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वेन्द्रियाणां कृति, नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण दिवर्णतो। वो संत क्या कहते हैं, बोले भगवान जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है, पता नहीं उसमें उन्होंने कितने रस भर दिया है। जब ये कृष्ण नाम जीवा में उदय होता है ऐसे लगता है परमात्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। नाम को लेने के लिए केवल एक जीवा क्यों दिया, बोले करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं दे दिया। बोले जब कानों में प्रवेश करता है ऐसे लगता है, बोले कर्ण करोड़ों कड़ों में नहीं घटे थे, बोले ये करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, दो ही कान क्यों दे दिया कथा सुनने के लिए। जब हृदय में प्रवेश करता है लगता है रस की जैसे धारा बरस रही। इसलिए भगवान पृथ्वी महाराज को हम आगे सुनेंगे, बोले जब बर मागे, बोले प्रभु हमें 10,000 कान दे दो, बोले 10,000 कान लेकर क्या करोगे, बोले कथा सुनने के लिए दो ही कान तुम दे दिया, हम तो 10,000 कान दे दे। बोले अगर तुम्हारे शरीर में कहानी कान हो जाए अच्छी थोड़ी लगेगी। बोले प्रभु इसका मतलब नहीं कहानी कान हो जाए, कान तो दो ही हो, लेकिन ये दोनों कानों में
कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो जैसे 10,000 कानों में जो कथा सुनने की शक्ति है। जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी। हम चाहते जहां जहां कथा हो रही है वहां वहां में उतना स्वरूप को धारण करते हुए सबकी कथा हम सुनते रहे, एक कथा चुप नहीं जानी चाहिए। देखो आप लोग हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो हनुमान जी का नाम, सब सुने हो सब। देखो ये कथा की क्या महत्व है। भगवान राम हनुमान जी को कहा करते थे बेटा कभी कभी सत्संग में जाओ और कथा सुनो। हनुमान जी बोलते थे प्रभु ये कथा सुनने का क्या जरूरत है, कथा में तो यही होती है तुम्हारी भक्ति करे, तुम्हारी नाम करे, तुमको सेवा करे, कथा में तो यही होती है ना। बोले हाँ, फिर ऑलरेडी मैं तो ये कर रहा हूँ, सारा दिन हनुमान जी प्रभु राम की सेवा करते थे। बोले फिर ये कथा सुनने का क्या जरूरत है। भगवान राम ने कहा देख बेटा जब तुम ये कथा सुनोगे ना, तुम जो भक्ति कर रहे हो उसमें 4 चांद लग जाती है, उसमें 4 चांद लग जाती है कथा सुनने पर। बोले ठीक है प्रभु, रोज कहते कथा में जाओ कथा में जाओ। एक दिन श्री हनुमान जी कथा में आए और वो कथा कर रहे थे कागभूषण, नाम सुने कागभूषण, ये नित्य निरंतर प्रभु राम की कथा सुनाते। हनुमान जी जा करके पीछे बैठ गए हाथ जोड़ करके और वो ये कथा सुना रहे थे। जिस समय में रावण ने माता सीता को उठा करके ले गया, इतने में हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। बोलिए दुष्ट ने मेरी मैया जानकी को उठा करके ले गया। हनुमान जी एक छलांग लगाए तो लंका में पहुंचे और देखा माता सीता अशोक वाटिका में बैठी करके बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, उसने अपना क्रोधाग्नि से, क्योंकि स्वयं शंकर जी है, अपना क्रोधाग्नि से पूरा लंका को जला करके उन्होंने राख बना दी। जब उन्होंने इस बात को सुनाए, इतने में हनुमान जी स्वयं बैठे हुए और अपना कथा खुद सुन रहे थे। इतने में हनुमान जी को हनुमान जी को बड़ी शंका हो गई। बोले ये कथा में मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ और देखो मेरे सामने कितने ये झूठ बात बता रहे, कितने झूठ बात बता रहे हैं। मैं जब लंका को पार हुआ बीच में कितने परीक्षा हुई हैं, कितने परीक्षा, उसको बाद में लंका में पहुंचा, फिर लंकिनी घुसने नहीं दे रही थी, फिर कितना कष्ट से अंदर में गया, फिर विभीषण से मिला, फिर विभीषण ने हमें फिर बताया माता सीता कहाँ पर है, इतने कष्ट को बाद में फिर मैया सीता से मेरी साक्षात्कार, फिर मेरे को मेघनाथ बांध करके ले गया, पूछ में आग लगाए, फिर मैंने लंका को भी जल गया। इतने सारी बात है लेकिन ये क्या कहता है, छलांग लगाए लंका में पहुंचे और जला दिया लंका को, कितने झूठ बोलता है। इतने में हनुमान जी के मन में शंका हो गई और हनुमान जी वापस आए। जब वापस आए प्रभु राम ने पूछा, बोले क्यों हनुमान जी तुम सत्संग में गए कथा सुने कि नहीं। बोले प्रभु ऐसे कथा में जिंदगी में कभी सुना ही नहीं, राम तो सब जानते हैं, कभी इनकी कथा में इनकी विश्वास नहीं हुआ है, उसको शंका हो गई ये क्या उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं। लेकिन इसको पता नहीं मैं एक बार नहीं, मैंने कितना बार मैंने अवतीर्ण हुआ हूं। इसलिए भगवान राम ने अपना एक अंगूठी निकाल रहे थे, निकालते निकालते हाथों से वो मुद्रिका गिर पड़ा। इतने में राम ने कहा हनुमान जी मुद्रिका मेरे को उठा करके दो। जब उसको उठाने के लिए गए वो मुद्रिका, इतने तेजी से वो मुद्रिका भाग रहा था, हनुमान जी में अभिमान था सबसे ज्यादा तेज भागने वाले मैं हूं, लेकिन वो मुद्रिका को पकड़ नहीं पा रहा था। वो मुद्रिका एक गुफा में प्रवेश कर गया। जब हनुमान जी प्रवेश करने के लिए चाहता है, वहां पर देखा कि बंदर बैठा हुआ। बोले तुम है कौन। बोले मैं हनुमान हूँ। बोले हनुमान कितने कमजोर, हमारे हनुमान तो विशाल काय हनुमान अंदर में बैठे हुए हैं और तू इतने कमजोर कैसे। हनुमान तो शंका में पड़ गए, वो तो सोच रहे थे मैं अकेला ही हनुमान हूँ, वो कह रहे और भी एक बहुत बड़े हनुमान बैठे हुए। हनुमान जी तो बुद्धिमान है, बोले आपके हनुमान से मैं मिल सकता हूँ, फिर मैं पूछ कर कहा था। जब उन्होंने उसको पूछने के लिए गए, वो सब जानते हैं, बोले हाँ उनको बुला लो। जो वहां पर गए देखा विशाल काय हनुमान बैठे हुए,
जिनकी रोम रोम से प्रभु राम का नाम निकल रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी, जो वो हनुमान जी इनको देखे, इनको उठ करके आलिंगन किया, पास में बैठाया, बोले देख हनुमान जी, ये जो काग भूसुंडी जो कथा कर रहा था, प्रभु राम जगत में एक बार नहीं, कितना बार प्रभु राम जगत में आए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जगत में प्रभु राम इस जगत में आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। वो काग भूसुंडी कितने कल्प से बैठे करके वो राम कथा सुना रहा है, वो मेरी कथा सुना रहा है। प्रभु राम ने मेरे को इतने शक्ति दी थी, मैंने एक छलांग लगा करके पहुंचा लंका में और प्रधाग्नि से मैंने लंका को मैंने जला दी। देखो कभी भी ये काग भूसुंड की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। हनुमान जाओ वो मुद्रिका को वहां से उठा करके ले जाओ। जब गए मुद्रिका को उठाने के लिए, देखा एक साथ बहुत सारी मुद्रिका है, फिर हनुमान जी फिर शंका में पड़ गए, इतने सारे मुद्रिका कहाँ से आए। प्रभु राम ने कहा देखो जब जब किसी हनुमान जी की शंका होती है ना, प्रभु उनको यहीं पर भेजते हैं, भगवान बहुत बार आए इस जगत में। फिर तो हनुमान जी को फिर उनको विश्वास हुई, मैं तो सोच रहा था भैया ये कथा सुनने का क्या जरूरत है, हम तो सब कुछ जान कर रखा, अभी मेरे को पता चलता हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए तब से श्री हनुमान जी प्रतिज्ञा की है, इसलिए गोस्वामी श्री वाल्मीकि कहते हैं बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। आप देखे होंगे कहीं भी रामायण होगा ना, सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर वहां लगती है, हनुमान जी का तस्वीर सबसे पहले लगती है। बोले क्योंकि बोले राम कथा सुनने का जो सबसे जो रसिया है, कहते श्री हनुमत लाल, जितने रूप जितने जगह पर कथा होगी हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए कथा से सबसे पहले पहुंचेंगे और एक जाकर नहीं बैठ जाएंगे। बोले कथा सुनने का नियम है, जाओ वहां पर पहले वो स्थान को जाकर के प्रणाम करो, क्योंकि जहाँ कथा होती है वो पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर के वहीं निवास कर जाते हैं, वो स्थान को अत्यंत पवित्र मानी जाती है जहाँ कथा होती है, इसलिए जाकर के पहले उस स्थान को प्रणाम करो। और जितने लोग बैठे हुए होंगे सबको प्रणाम करो, जो कथा सुनकर कथा में बैठनी चाहिए। हनुमान जी सबसे पहले जा करके हाँ कथा में बैठते हैं, और जब कथा संपूर्ण हो जाती है, कथा जब पूर्णा होती हो जाती है, वो ऐसे नहीं उठ जाते हनुमान जी, फिर हनुमान जी वो कथा स्थान को प्रणाम करेंगे, जितने श्रोत्रांग को प्रणाम करेंगे और वहां का धूल को लेकर के अपना शरीर पर लगाएंगे, फिर श्री हनुमान जी वहां से वापस जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कथा सुनने का कौन अधिकारी है, बोले पापी से पापी भी कथा सुनेगा तो उसको भी मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, और ज्ञानी से अगर ज्ञानी क्यों नहीं हो, हैं भगवान की कथा में इतने रस है ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी कथा सुनने की अधिकारी, मतलब कथा सबके सब सुन सकते हैं, ज्ञानी पापी सबको कथा रस प्रदान करता है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा में कहते इसमें विषय वस्तु क्या है, कहते भागवत कथा में साधारण विषय नहीं, ये दुनिया की कोई चर्चा नहीं है इसमें, है? इसमें कहते आराध्य भगवान ब्रजेश स्तन है। ये भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा है। कहते उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले यद्यपि कृष्ण को भक्ति सब भक्त लोग ने किया है, लेकिन ये गोपियों ने जैसे भगवान की भक्ति की, ऐसे भक्ति और किसने नहीं की है। जिसको उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब गोपियों की प्रेम को देखते हैं, उनके चरण की धूल को ये वंदना करते हैं। इसलिए कहते भागवत में विषय वस्तु बड़ी हाई भाई, कहते भागवत को हम कहाँ से सुननी चाहिए, कहते जो कथा है हम कथा कहाँ से सुननी चाहिए, तो उदाहरण दिए
बोले कथा सुननी चाहिए भगवान की जो भक्त है, जो वैष्णव है, कहते उनसे ये कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जैसे समुद्र मंथन की, बोले समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दो चीज समुद्र मंथन से निकली है। कहते ये भागवत से भी ये दो चीज निकल गई। अगर शुद्ध भक्तों से सुनोगे फिर तो भागवत आपको भगवत भक्ति भगवत प्रेम प्रदान ये करेगी। अगर जो भक्त नहीं अगर उनसे कथा सुनोगे फिर तो ये भगवान की भक्ति प्रेम नहीं देगी, फिर तो ये दुनियादारी वस्तु देख करके ये माया में फंसा करके आपको ये 14 ब्रह्मांड 84 लाख जन्म ही भटका रहेगी। इसलिए कथा सुननी चाहिए, कहते वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे दूध है, अगर दूध पिया तो क्या होगा, खुदा निपृत होगी, शरीर में ताकत आएगी, हृष्ट पृष्ट होगी शरीर। लेकिन वही दूध है अगर वहां पर सांप अगर मुंह मार दे तो फिर क्या होगा, देखने के लिए तो लगेगा दूध है, लेकिन जब वो दूध को हम पान करेंगे कहते फिर ये मृत्यु का कारण बन जाती है, ये मृत्यु का कारण बनती है। कहते उसी तरह भगवान की जो कथा ये भगवत प्रेम, ये भगवत प्राप्ति और परम शांति सुख देने वाले। लेकिन अगर जो वैष्णव नहीं अगर वहां से कथा सुनेंगे फिर तो ये भक्ति प्रदान नहीं करेगी, फिर ये संसार के चक्कर में हमें डाल देगा। इसलिए कथा सुननी चाहिए, भक्तों से कथा सुननी चाहिए। इसलिए कल हम लोग जो कथा सुन रहे थे, कहते ये पद्म पुराण की हम कथा सुन रहे थे, भागवत कथा की कितने महत्व है। आज सुनेंगे स्कंद पुराण में ये भागवत की क्या महत्व, थोड़ा हम स्कंद पुराण से सुनेंगे। कहते भगवान कृष्ण जब ये संसार छोड़ करके चले गए उसी समय माता कुंती भी ये शरीर को छोड़ दी, बोला ये कृष्ण विहीन शरीर को रखकर कोई लाभ नहीं। फिर पांडव लोग भी ये संसार को त्याग दिए, बोले जब भगवान कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये संसार में रह करके हमें क्या लाभ है। लेकिन वो जाने से पहले उन्होंने वृंदावन का जो राजा श्री बज्रनाभ को बनाया और हस्तिनापुर का राजा बनाया श्री परीक्षित महाराज। एक दिन श्री परीक्षित महाराज गए बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले हाँ आपका आशीर्वाद से सब तो कुशल मंगल है, लेकिन ये जो ब्रज है वृंदावन हमें ये सुनी सुनी लग रहे हैं। बोले क्यों, जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़कर गए संपूर्ण वृंदावन धाम के जितने सखा सखी यहाँ तक भी जितने पशु पक्षी थे उनको भी प्रभु लेकर साथ में चले गए, जैसे प्रभु राम जब अयोध्या छोड़कर गए वो सबको लेकर चले गए थे, कृष्ण भी सबको लेकर के चले गए। इसलिए मेरे को तो ये वृंदावन एकदम सुनी सुनी लग रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये पता है भगवान की लीला दो तरह का लीला है, एक है साधारण लीला और एक उनकी वास्तव लीला है। लेकिन वास्तव रूप में कृष्ण ये वृंदावन छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाते, एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन ये रहस्य किसको पता, बोले ये सांडिल्य ऋषि को पता है। परीक्षित महाराज सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ा कृपा करके परीक्षित को ये वृंदावन की रहस्य समझाओ। तब श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो परीक्षित, कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए नहीं, आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन गए, सब गए, वृंदावन नहीं गए। इसलिए वृंदावन में दो वन है, वो एक निधु वन और एक निकुंज वन है, ये दो वन है। अब देखना ये दो वन में वहां पर दो मंदिर ही आप देखिएगा, वो रात को वहां पर ठाकुर के लिए फूल की सज्जा लगाते हैं और लोटे में पानी रखते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दांसन रख लेते हैं। अब सवेरे जा करके देखना वो ऐसे लगेगा जैसे रात को कोई आकर के यहाँ विश्राम करते हुए रहेगा, कभी लड्डू नहीं मिलेगी, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती अगर सोचेगा हम रुक जाएंगे इस जंगल में, कोई सोचेगा हम जोर जबरदस्ती ये जंगल में रुकेंगे, उसका दो परिणाम होता है, वो गुंगा बन जाएगा, फिर शरीर छोड़ देगा। वो मंदिर को पास में अपना मंदिर है, वो
निकुंज वन के पास में हमारा अपना मंदिर एकदम पास में, मैं स्वयं दो घटना देखा है, एक को देखा तो गुंगा बनते हुए और एक को देखा मरते हुए, क्योंकि वहां पर बंदर को भी देखिया, शाम होते ही वो जंगल में बंदर को भगाना नहीं पड़ता है, वो जंगल से अपने आप शाम होते ही वो बंदर अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको कोई नहीं भगाते, वो अपने आप जंगल से अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि अभी भी भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं। जिनको विश्वास नहीं होता ना भगवान भगवान है कि नहीं, उनको बोल तो एक रात जाकर को जंगल में रुक करके देखो, खैर उनको पता चलेगा भगवान है कि भगवान नहीं है, नहीं उसको फिर पता, फिर उनको पता चल जाएगा ना भगवान है कि नहीं है। इसलिए अभी भी भगवान ब्रज में लीला अभी भी कर रहे हैं। देखो आपको 50 साल पहले घटना हुई है, आपको मैं सुनाता हूँ, भगवान एक नहीं है। बोले एक व्यक्ति थे, उसकी पत्नी के नाम थे किशोरी, वो बहुत ही सुंदर थी देखने में, लेकिन शादी से कुछ दिन बाद में उसने शरीर छोड़ दी, लेकिन बड़े पतिव्रता स्त्री थी, पति को बड़ी सेवा करती थी और देखने में बड़ी प्यारी थी। जब उसने शरीर छोड़ दी, उसको पति ने उसकी चिंता करते करते पागल जैसा हो गया। अभी दिन रात हा किशोरी बोलता रहता है, वो कैसे घूमते घामते कैसे आ गया वृंदावन। कहते भगवान का जो लीला है रास लीला, कहते उसमें चार तरह का उसमें रास लीला बताए, उसमें एक लीला है जिसको कहते हैं नित्य लीला है, उनका जो रास है उनको नित्य रास कहते हैं, भगवान रोज रास करते हैं। लेकिन ये पागल तो अभी अपना पत्नी के प्रेम में पागल है, अभी दिन रात हा किशोरी तो कहाँ चली गई, कितने अच्छी थी कहाँ चली गई। इतने में फिर राधा रानी अपना सखियों को साथ में अभी लीला करने के लिए आए, अब वृंदावन में जाओ देखना, सबके सब श्री राधा रानी को किशोरी किशोरी बोलते रहते हैं, सबके सब राधा जी को किशोरी वहां पर बोलते हैं। अभी जैसे आप दोनों का नाम अगर बराबर हो ना, अगर हम एक को बुलाएंगे दूसरा व्यक्ति आवाज लगाएगा, क्या मुझे बुला रहे हो, अभी वो तो हा किशोरी तो कहाँ चली गई, हा किशोरी तो कितनी अच्छी थी, राधा रानी तो बड़ी दयालु है कृपालु है। इतने में राधा रानी ललिता सखी से कहते हैं, बोले ललिते देखो कोई व्यक्ति मेरे धाम में आकर के रात भर सोया नहीं, देखो कैसे मेरे नाम को पुकार रहा। ललिता बोले चुप रहा, तेरे को पुकार रहा। उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बहुत ही सुंदरी पतिव्रता थी, शादी की कुछ दिन बाद में उसने शरीर छोड़ दी, इसलिए उसका प्रेम में ये पागल होकर के वृंदावन में आ गया, इसलिए अपना पत्नी को बुला रही, तू चुप रहा तेरे को नहीं बुला रही। राधा रानी बड़ी दया बड़ी कृपा थी राधा रानी, आप लोग वृंदावन में जाओ देखना, वृंदावन तो वाक्य भी हरि का बने, लेकिन वहां पर कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं जोर से बोला, इसलिए वहां सबके सब श्री राधा रानी का नाम सबके सब लेते हैं, क्यों राधा रानी बड़ी दयालु बड़ी कृपालु श्री राधा रानी है। इतने में फिर राधा रानी को रहा नहीं गया, बोले देखो ललित है मेरे को पता है उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन ये किशोरी जो नाम किसकी है, कहती ये नाम मेरी है, लेकिन इसको दी गई किशोरी नाम, लेकिन किशोरी है कौन, मैं किशोरी ना नित्य किशोरी, हर मेरे धाम में आकर के मेरे नाम को ले रहा है, है? मेरे नाम को ले रहा है, इसलिए जाओ, भले ही वो अपना पत्नी को क्यों नहीं बुला रहा है, उसको लेकर के आओ। फिर ललिता लेकर के आए, फिर राधा रानी उसका सर पर हाथ रखा तो वो थी एक पागल, अभी हो गई दूसरी पागल, अभी श्री राधा रानी का प्रेम में पागल हो गई। इसलिए अभी भी अगर कोई वृंदावन में ऐसे भजन करे, अभी भी भगवान उसको दर्शन देते हैं, अभी भी भगवान उसको ऊपर में कृपा करते हैं श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में इतनी घटनाएं हैं, विशेष करके हमारे संप्रदाय में इतने संत लोगों ने दर्शन किया है। एक संत थे जिनका नाम था दुखी कृष्णदास, जब वो वृंदावन में भजन करने आए, उनको गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलती, जाओ
ये निधुवन निकुंजवन में रोज झाड़ लगा, वो रोज झाड़ लगाया करता था और रोज रोया करता था, हे राधे कब मेरे ऊपर में तुम कृपा करो। एक दिन राधा रानी उसको दर्शन देने का बहाना बना करके अपना चरण की उन्होंने नुपुर को छोड़ कर गए। जब वो संत गए देखा घनागर जंगल में एक सोने के नुपुर पड़ा हुआ है, उन्होंने नुपुर ला करके अपना गुरुजी को दिखाया। गुरुजी तो साधारण थे नहीं, बोले बेटा ये राधा रानी के चरण की नुपुर है, जिसको तिसको नहीं देना, जिनकी चरण की नुपुर हो बोला वो आ जाए अब अपना हाथों से भी पहनाऊंगा। इतने में ललिता सखी आई ढूंढते ढूंढते, बोले बाबा हमारी घर की बहू की चरण की नुपुर है, बोले जिनकी नुपुर वो स्वयं आकर के आ जाए मैं अपना हाथों से पहना दूंगा। उनको गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी तुम परीक्षा करेंगे, ऐसे नहीं देना ऐसे नहीं देना। फिर राधा रानी वहां स्वयं आती हैं और वो संत अपना हाथों से राधा जी के चरण में नुपुर पहनाए राधा जी के चरण में। फिर राधा रानी ये जो हम तिलक लगाते हैं ये तिलक को बीच में नुपुर से राधा रानी नुपुर को बीच में जैसे आप लोग एक बिंदु लगा कर रखे ना कहेंगे काला बिंदु, ऐसे ही उन्होंने नुपुर में उनका सर पर तिलक लगा दिया। इसलिए आप वृंदावन जाना वहां पर एक राधा श्याम सुंदर मंदिर दर्शन करना, जरूर दर्शन करना। राधा दामोदर मंदिर के पास में राधा श्याम सुंदर मंदिर है, आप देखना वो जो ठाकुर जी देखोगे तिलक को बीच में एक काला बिंदु बनते हैं, क्यों ये राधा रानी स्वयं और नुपुर से वो तिलक लगाए। इसलिए हमारे महाप्रभु जो भक्त थे रूप और सनातन ये दोनों ही भाई उस समय नवाब का प्राइम मिनिस्टर पद में थे, इन्होंने जब सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आए, एक दिन दोनों बैठ करके आपस में हरी चर्चा कर रहे थे और छोटे भैया सोच रहे थे बड़े भैया को खीर बहुत पसंद है हम उसको खीर खिलाएंगे। बोले घनाघोर जंगल में खीर को स्वयं आकर वहां पर खीर बना करके उनको खिला करके जाती है। नंदगांव गए हो कभी के लिए? नंदगांव गए कि नहीं? नहीं गए नंदगांव, वहां पर एक स्थान है टेर कदम है, बड़ा बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है। अगर कभी आप जाना नंदगांव में तो जरूर वो स्थान में जाना, वहीं पर राधा रानी खीर बना करके उनको खिला कर गई है। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि कहते हैं देखो बज्रनाथ कृष्ण अभी भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए, अभी भी दर्शन देते हैं। बोले किसको दर्शन देते हैं? कहते जो लोग अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाए, लेकिन हमारी आंखों में काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य है, इसलिए इन्हीं आंखों से हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रेम रूपी अंजन लगाएंगे वृंदावन में जहां जाओगे ना उधर श्री भगवान का दर्शन करोगे, सब जगह में अभी भी ठाकुर जी पूर्ण रूप में। तब से सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो एक काम करियो, अगर तुम भगवान की कृपा पाना चाहते हो दर्शन करना चाहते हो, ये धीरे धीरे कृष्ण तो इस संसार छोड़ करके चले गए, उनकी लीला भूमि भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तुम जा करके उनका लीला स्थलियों को प्रकाश करो। और प्रभु जहां जहां पर जैसे जैसे लीला की थी वो लीला के अनुरूप तुम इस स्थान पर नाम रखा करो, और वहां पर जितने ठाकुर जी है वृंदावन में अभी दर्शन करते हो कभी ये सारे ठाकुर जी को प्रकाश करो, फिर भगवान के तुमको दर्शन प्राप्त होगा, फिर भगवान की कृपा होगी। फिर उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को लेकर के परीक्षित महाराज को लेकर के संपूर्ण वृंदावन को उन्होंने प्रकाश किया है, और विशेष करके उन्होंने तीन मूर्ति बनाई, मूर्ति तो उन्होंने बहुत बनाई ठाकुर जी, विशेष करके तीन ठाकुर है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। पहले ये तीनों ठाकुर थे वृंदावन में, लेकिन ये मुसलमान राजा औरंगजेब जब आक्रमण की राजा मान सिंह ने ये सारे ठाकुर वृंदावन से लेकर जयपुर चले गए। आप लोग कोई जयपुर गए हो? कोई कौन कौन गए जयपुर? यहाँ वहां पर गोविंद देव को देखे हो? देखे है ना? हाँ, कहते जो गोविंद देव है कहते इनको दर्शन करने से भगवान के मुखारविंद का दर्शन होता है, और एक मंदिर है गोपीनाथ है उनको दर्शन करने से
ठाकुर जी के बख्य स्थल दर्शन करने को मिलता है, और एक है मदन मोहन, जिनको दर्शन करने से वह करौली में है। ये मदन मोहन करौली में है, कहते अगर इनको कोई दर्शन कर ले, कहते ठाकुर जी की चरण दर्शन करने का फल मिलता है। कहते एक सूर्यास्त में, मतलब एक दिन में, कहते अगर ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन करते ही, कहते साक्षात आपको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है, साक्षात रूप। लेकिन केवल गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन है, ये तीनों ठाकुर, ठाकुर का तीन, उनका जो तीन चिन्ह है। लेकिन एक ठाकुर आपको जयपुर में नहीं, कहते एक ठाकुर आपको मिलेंगे करौली में, आपको मिलेंगे करौली में, जो कैला देवी है ना जिधर है, हाँ वहां पर एक ठाकुर मिलेंगे। लेकिन ये ठाकुर कैसे करौली चले गए? कहते ठाकुर जी करौली क्यों चले गए, इसके पीछे बड़ी रहस्य है। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, ठाकुर कैसे प्रेम में बसीभूत है। अगर ठाकुर जी को प्रेम करोगे ना, ठाकुर कैसे बसीभूत हो जाते हैं। कहते राजा मानसिंह जो थे, जयपुर के राजा, कहते उनकी एक बेटी थी, वो बेटी परम कृष्ण भक्त है। वो मदन मोहन जी को अपना हाथों से, ध्यान देकर सुनो, ठाकुर का सेवा करने का क्या पहले, कहते वो राजकुमारी अपना हाथों से ठाकुर जी को श्रृंगार करती थी, ठाकुर जी का स्नान कराया करती थी, ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी। अब देखना, अब जिसको सेवा करोगे ना, उसके साथ में प्रेम अपने आप हो जाता है। हम ये ठाकुर जी को सेवा क्यों करते हैं दुनिया में, देखना। अब जिस जी को सेवा करोगे उसके साथ में तुम्हारी प्रेम हो जाएगी। अभी वो लड़की, वो मदन मोहन को सेवा करते 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 उनका प्रेम हो गई मदन मोहन। अभी बेटी हो गई शादी की लड़ाई, राजा ने ठीक किया, जो करौली का जो राजा, उसको साथ में अपना बेटी को साथ दे देंगे। राजा पूछा, बेटी तेरे को मैं दहेज रूप में जो देना सो तो दूंगा, लेकिन तुम्हारी मन में कोई इच्छा है बोलो, इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। बोले पिताजी भले ही मुझे कुछ दो और मत दो, ये जो मदन मोहन ठाकुर हमें दे, मैं इसको दहेज रूप में मैं लेकर के जाऊंगी। लेकिन वो ठाकुर का नाम ही मदन मोहन है, बहुत सुंदर देखने बेटे ठाकुर जी। इतने में राजा ने बोले, देख बेटी तू और कोई एक ठाकुर ले जाओ, लेकिन ये मदन मोहन को मत लो, और एक ठाकुर दे दूंगा। बोले मैं तब भी शादी करूंगी जब ये मदन मोहन को आप दहेज रूप में दोगे, नहीं तो शादी करूंगी। अभी बेटी और राजा में लड़ाई हो गई, हाँ ये दोनों में लड़ाई हो गई। अभी बेटी को तो शादी देना है। बोले देख बेटी मैं परीक्षा करके दूंगा। तो बेटी बोली, अब क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे जितने ठाकुर है ना, सारे ठाकुर को मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा, और तुम्हारी आंखों को पर काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा, और जिस ठाकुर को जा करके तुम स्पर्श करोगे, बोलोगे ये ठाकुर दो, मैं कोई ठाकुर दूंगा। बोले कोई बात नहीं। अभी उन्होंने राज्य में, सारा राज्य में खबर फैल गया कि राजकुमारी दहेज रूप में ये मदन मोहन को लेना चाहती है, लेकिन कल इसकी परीक्षा होगी कौन सा ठाकुर लेकर जाएगी। पूरा जयपुर के जितने जनता थे सबके सब वहां पर इकट्ठे हो गए, और रात में ये लड़की बहुत रोई ठाकुर जी के पास में। अरे ठाकुर जी मेरे को पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन हो, क्योंकि तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, तेरे को सुलाए बगैर मैं सोती नहीं, तेरे को रोज अपना हाथों से मैं श्रृंगार करती हूँ, इसलिए कहते दुनिया क्या जाने, मैं तो है हो गई तेरा, ये दुनिया क्या जाने। कहते दिन भर तो तेरा ही मैं सेवा करता हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा तू मदन मोहन। देखो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हुए। बोले बेटी कोई चिंता मत कर, एक काम करना, जब तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ देंगे, तुम सब ठाकुर का शरीर पर हाथ लगाते लगाते आना, जब तुम मेरे पास में आओगी ये चीज को कोई नहीं समझेगा, तू समझोगे और मैं समझूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, ये चीज को कोई नहीं देख सकता है, केवल तू समझोगे और मैं समझूंगा, फिर तू बोल देना ये ठाकुर तो, फिर तेरे साथ में मैं चला जाऊंगा। वो इतने खुश इतने प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन सारे राजा का राज्य लोग आए, जब इनको छोड़ दिया ना, हर ठाकुर का शरीर में इसे हाथ लगाते लगाते जब श्री मदन मोहन को पास में आए, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए, ये चीज को कोई नहीं देख रहे थे, वही केवल समझ रहे थे ठाकुर जी मेरे हाथ पकड़ कर रखे। बोले पिताजी मेरे को यही ठाकुर दे दो।
राजा मान सिंह बोले भैया इसको पता कैसे चला ये मदन मोहन, इतने सारे ठाकुर है। फिर समझ गए बोले बेटी तू जीत गई मैं हार गया हूँ, तो ये ठाकुर जी को लेकर के तो मदन मोहन को करौली में जाओ। अगर कभी करौली में जाओ ना कभी वहां पर मदन मोहन पूछना यहाँ पर ठाकुर जी मदन मोहन कहाँ है, वो ठाकुर जी को जरूर आप दर्शन करके आना है। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, और ब्रज गोपियां जैसे तुम रचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए करेंगे? ऐसे भक्त बनो तभी तो भगवान तुम्हारे लिए करेंगे है? जब तक भक्ति नहीं करोगे भगवान कैसे तुम्हारे लिए करेंगे? इसलिए तुम्हारे घर में जो ठाकुर जी है ना, हाँ ये घर जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी को बढ़िया से उनको खिलाने पिलाने चाहिए। ये मत समझो अरे ये पत्थर की बैठे हुई है उनको क्या पता है, वो सब कुछ पता है उनको। इसलिए केवल उनको प्रेम करने की जरूरत है, हाँ केवल उनको प्रेम करने की जरूरत है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। Thank you.
Thank you.
इसलिए जिस समय कृष्ण इसी संसार से अंतर ध्यान हो गए, कृष्ण का जो 16108 पटरानियां कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है, लेकिन देखा जो यमुना नदी जो काली थी इसकी अंदर में कोई दुख नहीं। बोले क्यों काली थी? तुम भी कृष्ण प्रेयसी हम भी कृष्ण प्रेयसी, लेकिन कृष्ण विरह में तो हम बड़े दुखी लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख ही नहीं। इतने में वो कालिंदी कहती हैं, बोले राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं, अभी भी कृष्ण वृंदावन में है, कहीं गए नहीं। बोले ये रहस्य को कौन जानता है? बोले श्री उद्धव जी जानते हैं, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ये ब्रजवासियों को कृष्ण ने सांत्वना प्रदान की। बोले ये उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी गिरिराज गोवर्धन में उद्धव जी घास रूप में भक्ति कर रहे हैं। गोवर्धन गए हो? कौन कौन गोवर्धन गए? अब देखना परिक्रमा लगा चले जाते राधा कुंड से पहले जो कुंड है वो उद्धव कुंड है, बल वहीं पर उद्धव जी वो घास बन करके अभी भी वहां पर भजन कर रहे हैं। बोले ये उद्धव जी को ये सारे रहस्य पता, बोले चलो हम श्री गिरिराज गोवर्धन में चलते हैं। श्री गिरिराज जी गोवर्धन के पास में उद्धव कुंड के पास में आए, सबके सब रानियां, और वहीं पर बड़े सुंदर कीर्तन की, और कीर्तन का प्रभाव से ये उद्धव जी जो घास बन करके तपस्या कर रहे थे उद्धव स्वयं प्रकट हुए। बोले क्या बात है? बोले उद्धव अब ये कृष्ण संसार छोड़ करके चले गए और कृष्ण अंतिम समय में तेरे को उपदेश भी देकर गए, और तुम जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान करती। बोले हाँ, बोले हम भी बड़े दुखी है, हमें भी तुम सांत्वना प्रदान करो। उद्धव जी ने कहा मैंने यही प्रश्न मैंने कृष्ण को किया था। बोले कृष्ण तुम तो दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी तेरे विरह को हम सहन करेंगे कैसे? ये कृष्ण स्वयं बोल करेंगे। बोले हे उद्धव जी मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलियुग में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा। बोले प्रभु कलियुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ देख रहे हैं, कल हम सुन रहे थे भागवत में 12 खंड है, प्रथम द्वितीय जो खंड है ये ठाकुर जी के दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध ठाकुर जी के दो गुरु हैं, जो पंचम स्कंध ये भगवान का नाभि है, षष्ठ और सप्तम स्कंध ये भगवान का दो हाथ हैं, अष्टम स्कंध ये ठाकुर जी की वक्ष स्थल है, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध इनकी मुखार बिंद, एकादश स्कंध भगवान की ललाट, और जो द्वादश स्कंध ठाकुर जी का सर है।
बोले ये भागवत नहीं है, हम भागवत कथा नहीं सुन रहे, साक्षात बांके बिहारी से मिल रहे, ये कृष्ण स्वयं बोल कर गए। अगर मुझे कोई कलयुग में मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ये भागवत कथा सुनेगा वही मेरे को कलयुग में प्राप्त करेगा। और कथा सुनना और मेरे से मिलना ये कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं वो मेरे से मिल रहे हैं, ये कृष्ण खुद बोल कर गए। इसलिए अब कथा नहीं सुन रहे हो, भगवान से मिल रहे हो, भगवान से अब मिल रहे हो। इसलिए नारद जी जब भगवान को यही प्रश्न की आप कहाँ मिलोगे, नारद यही बात बताए, ना अहम बसामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये कृष्ण खुद कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरी कथा होती है मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनते हैं, समझो भगवान से हम साक्षात रूप में ठाकुर जी से हम मिल रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तब श्री उद्धव जी ने बोले, फिर तो महिषियों बोले भाई हमको भी कथा सुना, हम भी कथा सुनना चाहते, हम लोग तो 7 दिन कथा सुने। लेकिन उद्धव जी उनको 1 महीना वहीं पर कथा सुना, जब 1 महीना के बाद कथा समाप्त हो गई, कृष्ण स्वयं ये भागवत ग्रंथ से प्रकट हुए। केवल कृष्ण नहीं प्रकट हुए, कहते उनकी सखी श्री राधा रानी, गोपियां, सखा सखी, ये सब के सब श्री भागवत ग्रंथ से सबके सब प्रकट हुए। फिर श्री गोपियों श्री महिषियों ने भगवान कृष्ण से मिले, मिल करके उनका विरह दुख फिर दुख। इसलिए कहते अगर आप भागवत कथा सुनोगे, आप देखना 7 दिन बाद में ना आपको ऐसे लगेगा जैसे भगवान हम मिल गए। आप स्वयं ये चीज का अनुभव कीजिएगा, जब भागवत जिस दिन खत्म होगी ना, फिर आप लोग बोलोगे भाई अभी हम और क्या करें, 7 दिन तक हमारी कथा कीर्तन में बीत गई, अभी आप देखना आपको मन कहीं नहीं लगेगी। और कथा जब समाप्ति होगी आप ये अनुभूति होगी जैसे 7 दिन में हम साक्षात भगवान से मिल रहे, आपको पूर्ण रूप में ये अनुभूति आपको हो जाएगी। ये उद्धव जी स्वयं कहते हैं। तब से उद्धव जी कहते हैं मेरे गुरुदेव मेरे को एक कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए थे? बोले भगवान कृष्ण जब ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, उन्होंने 3 देवता को उन्होंने सृष्टि किया है, ब्रह्मा जी विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारा काम है पावन करना। ब्रह्मा जी आए बोले ये सृष्टि रजगुण का काम है, ये रजगुण से मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अगर तुम ये भागवत को 7 दिन तक तो सुनोगे, इसकी प्रभाव से ये दुनिया का सृष्टि तुम ठीक ठीक से कर पाओगे और रजगुण से मुक्ति मिलेगी। इतने में विष्णु आए बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से जगत को मैं तो पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन कर? बोले आप भी कथा सुना और सुनाओ, वे कथा कितने महत्व। जब स्वयं विष्णु कथा करते हैं वो 1 महीना में ये कथा को पूरी करते हैं, और माँ लक्ष्मी बैठकर स्वयं सुनती है। जब नारायण की कथा समाप्त हो जाए माँ लक्ष्मी फिर कथा करती है, और नारायण बैठ करके स्वयं कथा सुनती हैं। कहते नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं उससे ज्यादा सुंदर कथा करती है माँ लक्ष्मी, क्योंकि नारायण तो भगवान है। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला तो मीठा तो है, लेकिन रसगुल्ला को पता नहीं कितना मीठा है, उसको जो खाते हैं ना उनको पता इसमें कितने मीठा है। इसलिए कहते भगवान को जितने ये रस की पता है उससे ज्यादा है ये भक्तों को ज्यादा पता है। अभी भोले बाबा है, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो मैं ये दुनिया का संहार कर सकता हूँ, लेकिन जो आत्यंतिक लय और जो संघार है ये तम गुण का काम है, अभी ये तम गुण से मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ने बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। जब शंकर जी कथा करते हैं इतने सुंदर कथा को व्याख्या करते हैं, हम तो 7 दिन में खत्म करेंगे, उनको 1 साल लगता है ये कथा को समाप्त करने में, 1 साल तक कथा करते हैं। उसको बाद में स्वयं माँ पार्वती भी कथा करती है,
जब पार्वती कथा करती हैं कहते उनको 2 साल में ये कथा को समाप्त करती है। इतने सुंदर कथा को ये व्याख्या करते हैं, अपूर्व रूप में इसको व्याख्या करते हैं। देखो ये कथा की कितने महत्व है। ये कथा को द्वारा ही ये दुनिया में जो सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये कथा की माध्यम को द्वारा ही ये दुनिया में सृष्टि स्थिति प्रलय ये कथा को द्वारा होती। ये कथा की कितने महिमा, ये कथा की कहते ये ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। बोले इसका नाम श्रीमद् भागवतम क्यों नाम पड़ा है? कहते आप लोग अगर भागवत ग्रंथों को डायरेक्ट पढ़ोगे ना, आपको कहीं राधा जी का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी राधा जी का नाम आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगी, हाँ कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे महाप्रभु संप्रदाय में कहते हैं, कहते भैया भागवत में तो राधा जी के नाम छोड़कर और कुछ है ही नहीं, ये तो राधा ही राधा और कुछ है ही नहीं। इसलिए इसका नाम है श्रीमद्। श्री मतलब क्या? ये श्रीमती राधा रानी। मद मतलब प्रेम। हम कहते हैं ना भैया मदमस्त हो गया, मतवाला बन गया, मतवाला बन गया, मदमस्त हो गया। इसलिए श्रीमद मतलब होता है ये प्रेम है, ये राधा जी की प्रेम और कुछ नहीं। इसमें ये राधा रानी की प्रेम, ये भागवत है। इसका नाम भागवत, ये 4 अक्षर है। बोले 4 अक्षर क्यों? बोले भारती सर्वे सुलोकेशु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वे लोकस्मिन् तस्मात् भागवतम् विदुः। कहते पंडित लोग कहते हैं इसका नाम भागवत क्यों? बोले भाव प्रकाशम, बोला भाति सर्वेषु लोकेषु। कहते ये जो भागवत कथा केवल हम ही सुनते इस बात नहीं, अभी सुने ना जिसको शंकर भी सुनते हैं। कल हम सुन रहे थे भागवत का एक नाम क्या है? अमर कथा। बोले क्यों? शंकर जी अमरनाथ में माता पार्वती की कथा सुनाई थी। और कल हम सुन रहे थे शंकर स्वयं कहते हैं ये कथा को सुनकर के ही हमने अमरत्व को प्राप्त की। अरे माता कहती भैया मेरे को भी सुना दो, मैं भी अमर बन जाऊंगी। मतलब भागवत कथा से शंकर पार्वती अमर कैसे बने? कथा से। ये कथा से ही हमको अमरत्व की प्राप्ति हुई। इसलिए भाव मतलब होता है प्रकाश, हैं बात स्वभाव। बोले भाती सर्वेशु लोकेशु, बोले ग बोले गीयते नारदा दीदी। बोले कथा को गान कौन करते हैं? बोले बड़े बड़े ऋषि लोग जिसको गान करते हैं, नारद जी जिस कथा को सुनाते, चतुसन जिस कथा को सुनाए, ब्रह्मा जी जिस कथा को सुनाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जिसको सुनाते हैं, सुतो गोस्वामी जिस कथा को सुनाते हैं। इसलिए गीयते नारदा दीदी। बोले ब बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु। हम आगे सुनेंगे। जब व्यास देव जी ने सारी ग्रंथों को उसने रचना किया, उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना कर दी, शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। शांति कब मिली? जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को रचना की। यहाँ शिक्षा देते हैं, हम भी अगर जीवन में शांति पाना चाहते हैं भागवत कथा सुना, आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, बोले बोले तरणी च भवार्णवः। बोले ये भागवत कथा को जो श्रवण करेगा, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य ध्यान तीर्थाटन कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ केवल बैठो और कथा सुनो। यही कथा सुनते सुनते तुमको हम भगवान का चरण को प्राप्त करा देंगे। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुतिदावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतम स्वरूपम। बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, जैसे कृष्ण सारे देवता को जैसे देवता है, हाँ कृष्ण जैसे सारे देवता का देवता है भगवान कृष्ण है। बोले ये भागवत ग्रंथ भी जितने सारे शास्त्रों का ये जो निचोड़ जो सार है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए गरुड़ पुराण में बताए बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपसो
वेदार्थ परिवृंजित, इसे बताए जितने वेद पुराण उपनिषद जितने सारे शास्त्र हैं, क्या उसका निचोड़ क्या है? बल्कि ये श्रीमद् भागवत है। कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्रस्य आतृप्तिः क्वचित्। अगर किसने ये भागवत कथा सुन लिया ना, उसको और कोई शास्त्र सुनने की रुचि नहीं रह जाएगी, और कोई शास्त्र सुनने की उसको इच्छा ही नहीं रह जाएगी अगर ये कथा को कोई सुन लिया तो। इसलिए ये भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ थी, भागवत ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम भागवत। इसलिए तरणी च भवान, मतलब ये भाव सागर से अपने आप जैसे नाव में बैठ करके जैसे हम नदी को पार कर लेते हैं, ये कथा सुनोगे तो ये संसार रूपी समुद्र से बस बैठ बैठ करके, मतलब कथा सुनते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लग रहा है कि कथा ही तो सुन रहे हैं और कुछ नहीं। बोले नहीं, ये कथा नहीं सुन रहे हो, जितने साधन में ये सर्वश्रेष्ठ साधन। देखो अब एक चीज अनुभूति करो, जैसे आप अपना घर में बैठो, हम 10 मिनट बैठ करके प्रभु का स्मरण करें, 10 मिनट बैठे, आप कोशिश करना बैठने के लिए, देखना आपको एक मिनट भी आपका मन भजन में नहीं लगे। आंख बंद करने का मात्र सही ना, बेटा बेटी नाती पोती दुकान मकान सब दिखने लग जाए। आप 10 मिनट बैठो ठाकुर के सामने, सारा दुनिया तुमको केवल भगवान के सिवाय और सब दुनिया दिखेगी, लेकिन भगवान नहीं दिखेगी। लेकिन देखो जैसे यहाँ पर बैठे हो, आपका मन कहीं गया है? नहीं गया। आपको लगता है जैसे हम तो बैठे बैठे नहीं, इसलिए कहते वो इतने बड़े साधन हैं, कभी इतने बड़े साधन ये है, वही तो बता रहा हूँ। ये जो कथा कहते आपको लगता है हम तो कुछ नहीं करते, तो बैठे तो और कुछ नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जितने साधन में ये सबसे बड़ा साधन है। साधन का मतलब क्या है? ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगाओ। लेकिन यहाँ पर देखो कथा सुन रहे ना, मन तो अपने आप ठाकुर के चरण में लगाओ। इसलिए हमको लगता है जैसे कथा में बैठे नहीं, कथा में नहीं बैठे, ये बहुत बड़े साधन कर रहे हो। परीक्षित महाराज तो यही कथा सुनते सुनते तो पार हो गए ना, इसलिए कहते हैं आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठ और कथा सुनते रहो। हाँ बस आँख खोल कर देखो ना, ठाकुर को पास में पहुंच गए, ठाकुर को पास में आप पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रथम की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोगों ने ये दो पुराण में ये भागवत की महिमा थी, एक पद्म पुराण और एक स्कंध पुराण। ये हम लोगों ने अभी जो सुने ना, ये भागवत कथा की हम लोगों ने अभी तक उनकी महिमा सुन रहे थे। अभी भागवत, अभी हम यहाँ से भागवत कथा सुनेंगे। हम एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है? सबके सब ताली बजाते हुए, कल मैंने बताया था ना ताली बजाने का क्या महत्व है, क्या महत्व है? केवल इतना इतना ही याद, और कुछ याद नहीं। और भी कुछ आपको प्रेशर होगा, आपको प्रेशर होगा, शरीर का बीमारी सारी खत्म हो जाएगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास से उदाहरण दिया है, जैसे आपने आंगन में गेहूं दाल सुखाने के लिए दिया, अगर उसको कोई चिड़िया चुग रहा है, आप उसको भगाने के लिए क्या करोगे? ताली बजाते हैं ना, ताली बजाने पर कोई चिड़िया उड़ जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं वो पाप रूपी चिड़िया भी हमारे सर के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन हम जो ताली बजाएंगे ये पाप रूपी चिड़िया भी उड़ जाएगी। इसलिए सबके सब प्रेम से ताली बजाते हुए कीर्तन करना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे।
चरण को करते हुए कोई काम कर तो वो काम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो जाए, उसमें कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगी, इसको मंगलाचरण कहते हैं। ये जो तीन श्लोक है, एक श्लोक में बताए ये भागवत ग्रंथ का इष्ट को है, दूसरे श्लोक में ये भागवत प्रतिज्ञा क्या करता है, और तीसरी श्लोक में ये भागवत कथा सुनने से आपको क्या मिलेगा, ये हमें आशीर्वाद क्या देता है। जो पहला श्लोक है बोले ध्यान, ध्यान मतलब है ये भागवत ग्रंथ का आराध्य कौन है,
कि ये पहले श्लोक में इसमें किसका नाम नहीं दी गई, उसमें केवल विशेषण विशेषण मतलब गुण गुण बताया, लेकिन उसका किसके नाम नहीं बताए, इसलिए सबके लोग उसमें बड़े भ्रमित है। अभी जो जिसको उपासना करता है वो उसका ही नाम लेता है, हैं? उसमें बताए सत्यंग परम धीमही, तो परम सत्य को हम सबके सब ध्यान करते हैं। अभी जो शंकर जी की भजन करते हैं कहते वही सत्यम शिवम सुंदर, जो माता देवी को उपासना करते हैं बोलते वही जगदम्बा जगदेवी वही सब कुछ है। अभी जो गणेश जी को उपासना करते हैं बोलते श्रीदत्ता गणेश जी है। अभी जो जिसको उपासना करता वो उसी को में लगा दिए। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं, कहते भैया ये श्लोक और किसी के लिए नहीं, ये तो केवल श्री बांके बिहारी के लिए, ये और किसी देवा देवी के लिए नहीं। बोले आप कैसे ये बात बता दिए, बांके बिहारी है। बोले उसमें बताया सत्यंग परम धीमही, मतलब वो जो परम सत्य है वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। हम आगे परसों सुनेंगे, जब कृष्ण देवकी के गर्भ में आए तैतीसी करोड़ देवता एक साथ में, ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र एक साथ में भगवान की गर्भस्तुति कर रहे थे। वो गर्भस्तुति में कहते हैं बोले सत्यं व्रत सत्य परम त्रिसत्य सत्य सोनि निहित सत्य 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 मृत सत्य नेत्री सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपत्ति। जो परम सत्य जिसकी व्रत सत्य है, जिसका धाम सत्य, जिसका भक्त सत्य, ऐसे जो परम सत्य त्रिसत्य जो सनातन है, हम सबके सब उनको प्रणाम करते हैं। ये कौन कह रहे, ये सारे देवता कह रहे। इसलिए परम सत्य कौन, भगवान कृष्ण है। बोले वो कौन है, बोले जन्मादस्य जता, मतलब जिनकी इच्छा से ही ये ब्रह्मा जगत को सृष्टि करते हैं, जिनकी इच्छा से शंकर जी जगत को संहार करते हैं, और जिनकी इच्छा से श्री विष्णु जी जगत को पालन करते हैं, हैं? कदे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को, ये भागवत का एक नाम चतुश्लोक है, सर्वप्रथम भगवान ये चार श्लोक ये ब्रह्मा जी को दिए थे। ये चार श्लोक का जो व्याख्या है ये संपूर्ण ये भागवत है। इसलिए भगवान कहते ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सहस्य तदगन च गृहाणम गदित मैया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तेरे को मैंने ये सारे ब्रह्म ज्ञान को तेरे को मैं प्रदान करता हूँ, है? ऐसे जो परम सत्य कौन है, भगवान जो कृष्ण है, जिनकी माया से हमारी बात छोड़ दो, बड़े बड़े देवता भी जिनकी माया को समझ नहीं सकते, हम आगे सुनेंगे, इंद्र भी जिनके समझ नहीं सके, इंद्र कैसे 7 दिन तक बारिश करेगा और भगवान गिरिराज उठा लेंगे, जहां पर ब्रह्मा कृष्ण के बछड़े सखा को चोरी करेगी, बाद में पता चला ये मेरे पिताजी के पिताजी, उन्होंने भी आकर गिरी चरण में माफी मांगेगी, और एक समय तो सारे देवता लोग भी भगवान की माया में मोहित तो हो गए थे। बोले कब, बोले एक समय कृष्ण द्वारका में सब पटरानी को साथ में बैठे हुए थे, इतने में हमारे नारद जी गए थे स्वर्ग में, एक फूल लाए थे जिसका नाम पारिजात पुष्प, ये मर्त्य जगत में नहीं होता, वो केवल स्वर्ग में होता है। उन्होंने स्वर्ग से वो फूल लाए थे और उन्होंने कृष्ण का हाथ में पकड़वा दिया। बोले कृष्ण तुम्हारी ये सारी रानियां बैठी हुई ना, तुम जिस रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको दे दो। कृष्ण ने देखा ये बाबा कहां से आके लड़ाई करते, क्योंकि कृष्ण जब जब जिस रानी को पास में होते है ना, जब रुक्मिणी को पास में होते हैं, बोले तेरे को जितना प्रेम करता दुनिया भर में किसी को प्रेम नहीं करता, जब सत्यभामा को होते हैं बोले तू सबसे बड़ी ज्यादा प्यारी है, जब कालिंदी को पास में जाते हैं बोले तू तो सबसे ज्यादा प्यारी है। कृष्ण ने देखा सबके सामने भार को फोड़ देंगे, अभी एक को अगर देते सबके सब मान कर बैठे, बोले अकेला तो बोलते हो तुम सबसे ज्यादा प्यारी है। इतने में नारद जी बोले प्रभु जल्दी जल्दी दो, मेरे पास में समय नहीं, अभी हमको जाना है। बोले हे भगवान अभी क्या किया जाए, उनके सबसे जो पुरानी जो पहले जो रानी की रुक्मिणी है, सबसे रुक्मिणी को पहले शादी कृष्ण ने की थी, वो पास में बैठी हुई थी, उन्होंने फूल रुक्मिणी को हाथ में पकड़ा दिया। उसको पास में बैठी हुई थी सत्यभामा, बोले सत्यभामा कौन, बोले राधा जी के अंश से आए। बोले रुक्मिणी कौन, ये चंद्रावली के अंश से आए, और राधा रानी को जानते हो, ये सबसे बड़ी वृंदावन में राधा रानी है, ये बड़ी सुंदरी थी,
कृष्ण इनको अकेले सबसे ज्यादा बोलते थे, तू सबसे ज्यादा मेरी ज्यादा प्यारी है। जब सत्यभामा तो सोच रही थी शायद फूल मेरे हाथ में देगी, लेकिन जब वो फूल उन्होंने रुक्मिणी को हाथ में पकड़वाया ना, इतने में तो सत्यभामा इतने भूसा कर ली, प्यार पटकती हुई मान करते हुई वहां से भवन को छोड़कर चली गई। कृष्ण ने कहा ये बाबा कहाँ से आ गए, लड़ाई लगा दी। जब रुक्मिणी को पास में गए वो तो मान भवन में लेट हुई, ऊपर हाथ रख हाथ को फेंक दिए, आप ऊपर जैसे काले अंदर में से ज्यादा काले हो, सबका सामने तो मैंने नाक काट कटवा दिया, मैं तो सोच रही तू फूल से मेरे को दोगे, अब तो दुनिया को पता चला अब सबसे प्यारी रानी कौन है, रुक्मिणी। कृष्ण ने कहा एक फूल के लिए इतना गुस्सा कर रही हो, अरे उसको तो एक फूल दिया तेरे लिए तो स्वर्ग से मैं वृक्षों को उखाड़ करके ले आई। बोले ज्यादा बोलो मत, जिसने एक फूल नहीं दे सका और कहते स्वर्ग से पेड़ ले आएंगे, इतने झूठे आप हो। बोले चलो, बोले ले चलो। कृष्ण सत्यभामा को गरुड़ जी को पीठ पर बैठा है और बैठा करके लेकर तो स्वर्ग में गए और इंद्र से प्रार्थना की, मेरी सत्यभामा बड़ी दुखी है मान की, एक पारिजात वृक्ष हमें दे दो। बोले क्या, ये स्वर्ग का इसलिए इतने महत्व है, ये स्वर्ग में ये पारिजात वृक्ष है, अगर ये वृक्ष मर्त्य जगत में चली गई स्वर्ग की कोई महत्व नहीं रह जाएगी, इसलिए हम वृक्ष नहीं दे सकते। कृष्ण ने कहा अगर राजी खुशी से नहीं दोगे फिर तो मुझे अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, बोले जो कुछ कर लो। इतने में कृष्ण जब वृक्ष उखाड़ने के लिए गए, 33 करोड़ देवता जितने स्वर्ग में इंद्र चंद्र वायु वरुण एक साथ में कृष्ण को साथ में लड़ाई के लिए तैयारी हो गई। भगवान निकाला सुदर्शन चक्र को, बुलाया सबको, मार मार करके वहां से भगा दिए और देखते देखते उन्होंने वो वृक्ष को उखाड़ लिया और गरुड़ जी को पीठ पर बैठा करके मरते जगत में ले आए और सत्यभामा के घर के सामने बो दिया और सत्यभामा के आनंद की ठिकाना नहीं। इतने में फिर सत्यभामा ने सब रानियों को घर में बुलाया, आज मेरे घर में आ। बोले क्यों, क्यों? बोले ये मत समझो कृष्ण एक फूल तो रुक्मिणी को दिया था, देखो मेरे लिए कृष्ण वृक्ष उखाड़ कर लिया, इसका मतलब कृष्ण का सबसे प्यारी कौन है, मैं हूँ सत्यभामा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुझ्यन्ति जत सुरयो, भगवान देवता भी जिनकी माया से मोहित तो हो गए, भगवान जिनको सबको, ये कृष्ण हम आगे सुनेंगे, ये कृष्ण ऐसे के देवता है 33 करोड़ देवता जिनके चरण में नतमस्तक हो गए, ये ऐसे के देवता है। इसलिए बोले भागवत का इष्ट कौन है, श्री वाक्य बिहारी। बोले श्री वाक्य बिहारी की जय, जय श्री राधे। लेकिन हमारे कुछ रसिक टीकाकारों ने बोले भैया केवल कृष्ण ग्रंथ जो भागवत है केवल कृष्ण इसकी इष्ट नहीं और भी कोई है। बोले कौन है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर जो सत्यम परम बताया भगवान की पराशक्ति कौन है, कहते देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका पराधिक। इसलिए आप वृंदावन में जाओ इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, हैं? बोले वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं, वहां कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बात को। बोले राज शब्द कुर्बन तस्मात् ददामि भक्ति उत्तमम्, धास शब्द कुर्बन पश्चात धावि श्रवण लोभम। राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, बोले कोई अगर केवल राखर बोल दिया कृष्ण कहते भैया मैं तो चिंता में पड़ जाता हूँ, इनको मैं क्या दूं, मेरी राधा जी की राह अक्षर उच्चारण की। कहते विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो राह अक्षर का विनिमय में उसको दे सके, कहते मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, आज से भैया मैं तेरा हो गया। अगर कोई धा बोल दिया राह और धा बोल दिया, कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए उसको पीछे बीच में भागता रहता, इसलिए वो भजन गाते है ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो भगवान का जो स्वरूप है ना, देखो सत चित और आनंद है ना, सत चित और आनंद। बोले ये सत स्वरूप में कौन? बोले बलदेव प्रभु, संधि शक्ति अधिष्ठा देव का। बोले चित स्वरूप में कौन? बोले ज्ञान स्वरूप स्वयं कृष्ण, और आनंद में कौन? राधा है। ये जो तीनों मिलता है ना, तब ये सच्चिदानंद रूप आए, सच्चिदानंद रूप आया। अगर इसमें आनंद को निकाल दो और उसमें सत को निकाल दो, वो बीच में रह जाएगा चित। चित मतलब ज्ञान स्वरूप। जब केवल वो ज्ञान स्वरूप में है, वो रसिक नहीं, वो निराकार निर्विशेष, ये ज्ञानियों का आराध्य है, ये रसिकों का आराध्य नहीं। उस समय ये रसिकों का आराध्य कौन है? बोले श्री जुगल सरकार है। जब वो राधा कृष्ण हो तब भी कृष्ण पूर्ण है, नहीं तो कृष्ण पूर्ण नहीं। बोले एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज मंडल में भ्रमण करते करते एक बहुला वन था, वहां पर पहुंचे। बहुला वन में देखा एक वृक्ष के ऊपर में दो मैना बैठे, तोता और मैना बैठे। इतने में जो मैने तोता में लड़ाई हो रही है, ये जो तोता उन्होंने कृष्ण का पक्ष ले लिया, और जो मैना है उसने ले लिया श्री राधा रानी का पक्ष उन्होंने ले लिया। अभी दोनों में लड़ाई हो रही है। तोता कहता है देखो मेरे जो श्याम सुंदर है ना, गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया था। इतने में मैना कहते चुप रहो, बोले कृष्ण गिरिराज उठाए। बोले किसने उठाया? बोले ये बताओ कृष्ण जो गिरिराज उठाया कौन सा हाथ में? बोले बाम हाथ में। बोले कौन सा अंगुली में? बोले बाम कनिष्ठ अंगुली में। बोले उठाया कैसे? बोले शक्ति से। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है? इसलिए कहते ना कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपों ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर ये उठाया। तो गिरिराज किसने उठाया? कृष्ण का राधा रानी, राधा रानी का। इतने में तोता कहता है बोले हमारा जो श्याम सुंदर वो बाम तरफ में झुके हुए है। कहते बाम तरफ में कृष्ण झुके हैं। बोले क्यों? वो बाम तरफ में झुके। बोले राधा रानी बाम तरफ में खड़ी है ना, इसलिए उनको चरण को पाने के लिए कृष्ण ऐसे झूम करके खड़े हुए हैं। इतने में तोता कहता है हमारे जो श्याम सुंदर का सर पर मोर पंख है। बोले मैना कहती है तुमके पता है ये कृष्ण ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं? बोले क्यों? बोले हमारे श्री किशोर जी के नाम थे उसमें लिखा है, श्री राधा जी का नाम लिखा, इसलिए कृष्ण श्री मोर पंख धारण करते हैं। इसलिए तोता मैना में लड़ाई हो रही थी। इसका मतलब क्या देते हैं? जब तक राधा जी नहीं होना तब तक कृष्ण आधा है, ये दोनों आधा। जब राधा कृष्ण दोनों मिलते हैं तभी ये पूर्ण होते हैं। इसलिए आप राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा बताओ तो? धारा। इसलिए ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम की रस की जो धारा है ये कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले जय जय श्री राधे। कहते जो मंगलाचरण की जो दूसरी श्लोक है, कहते ये भागवत प्रतिज्ञा करता है। देखो ये भागवत में कितने महिमा पिताजी कहाँ गए? अशोक अशोक प्रभु जी अशोक। देखो भागवत कथा कितने महिमा, जैसे अशोक प्रभु जी के घर में भागवत कथा हो रही, आपको पता चला इनके घर में कथा हो रही है। अभी कथा में नहीं आया, घर में बैठे। देखो भागवत कितना बड़ा प्रतिज्ञा लिए। अब घर में बैठे हुए हो, आपके पास में निमंत्रण कार्ड लिखे पहुंच गई, जब मेरी घर में कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आए हो।
मेरे घर में कथा हो रही है, आप लोग कथा सुनने के लिए आओ। अभी आप कहाँ पर हो? अभी घर में हो। अगर किसकी मन में केवल इतनी इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगी, नहीं कथा सुनने जाऊंगा, इतनी केवल इच्छा हो गई, ये भागवत कथा की इतने महिमा में कहते सद्य हृदय अवरुद्धते कृति भी सुसुभी तत्क्षणात्। केवल सुनने की इच्छा मात्र से ही ठाकुर जी आकर उसके हृदय में ऐसे फंस जाते हैं, उसका हृदय में ठाकुर जी ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति स्वयं को स्वयं एक घर के अंदर घुस जाए और अंदर से कुंडली अपने आप को बंद कर दे। कहते बांके बिहारी केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में आकर के स्वयं को कुंडली लगाकर बंद कर देते हैं। ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, केवल ये भागवत कथा सुनने की जो इच्छा रखते हैं, कथा में नहीं आए, केवल कथा सुनने की केवल इच्छा ही कर लिया। कहते भैया सचमुच से अगर कोई कथा में आ गया, अगर सचमुच से कोई कथा में आ गए, सुखदेव गोस्वामी कहते उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए बोले श्रुता अनुपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोहपि। कहते भागवत कथा की महिमा सुनो। कहते श्रुत जो कथा को सुने कल्याण तो कल्याण है ही, अगर इतना नहीं हो पाया जो केवल पढ़ते हैं उनका भी कल्याण, अगर इतना भी नहीं हो पाया कथा हो रही है, अगर किसने बोल दिया भागवत कथा, हाँ श्री अशोक प्रभु जी घर भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। कहते अगर इतनी सी कोई बात बोल दी, बोले वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसने देवताओं को द्रोह क्यों नहीं किया हो, विश्व प्रतिद्रोह क्यों नहीं किया हो, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, वो सारे पाप से मुक्त हो करके भगवान का धाम को चले जाते हैं। जे केवल जो अनुमोदन कर देते हैं, इसलिए कहते ये भागवत जैसे धर्म जगत में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भागवत ये प्रतिज्ञा केवल करता है सुनने की इच्छा मात्र से ही जिनका कल्याण हो जाती है। कहते भागवत हमें आशीर्वाद क्या देता है, ये तीसरी जो श्लोक है मंगलाचरण की आशीर्वाद है। बोले क्या आशीर्वाद देते हैं? बोले निगम कल्प करूर गलितम फलम सुखा मुखात अमृता द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमारम मोहरहो रसिका भूविभावुका। कह रहे हैं आप कथा नहीं सुन रहे हो। बोले क्या कर रहे हो? बोले कल्प वृक्षों को नीचे बैठे। बोले भैया कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? बोले जो मांगो वही मिलेगा। तो हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे, बोले कोई एक राजा गया था मृगया करने के लिए, जंगल में घूमने के लिए। मृगया करते करते बड़ी दूर तक उसने चला गया, अभी हो गया शाम, एक वृक्ष को नीचे उसने बैठ गया, उसको पता नहीं था ये वृक्ष कल्प वृक्ष। अभी वृक्षों के नीचे बैठ करके सोच रहा है, अगर मैं राजभवन में होता ना, मेरी रानी नहीं तो कितने दासियां कितने सुंदर जूस ला करके मेरे को पिलाते। जब उन्होंने इतनी इच्छा किया, देखा स्वर्ग से बड़ी सुंदरी सुंदरी अप्सरिया का उतर करके आई और बड़ी सुंदर तरह तरह का जूस ला करके, बोले महाराज पियो। बोले भैया इच्छा करते मिल गई। बोले अगर मैं राजभवन में होता, मेरे लिए 56 भोग 36 व्यंजन बनाकर मेरे को पिलाते। देखा सचमुच से स्वर्ग से अप्सरिया उतर करके आ गई, बड़े सुंदर खाना उन्होंने सजा कर, बोले महाराज खाना खाओ। सोच रहा है अगर मैं राजभवन में होता, बड़े सुंदर गजदत्त पलंग के ऊपर में एकदम झांक से भी मुलायम, हाँ डल्लभ गद्दी के ऊपर में सोता, देखा सचमुच से बड़े सुंदर वहां पलंग प्रकट हो गया। जब वो सोने जा रहा था, उठा जंगल है, वहां पर शेर चीते रहते थे, इतने में शेर की आवाज आई, इतने में शेर की आवाज आई, तो रात को वृक्ष कल में वृक्ष है ना, वो शेर की आवाज आई, उसने सोचा भैया शेर नहीं आ जाए, वो कल्प वृक्ष है और जो मांगेगा तो वही मिलेगा, तेरा सामने शेर आ गया। बोले यार मेरे को खा नहीं जाए, छपटा और इसको खा। इसलिए कहते कल्प वृक्ष का मतलब है हम जो कुछ मांगेंगे हमें वही चीज मिलेगी। लेकिन अभी जो बाघ आ गया ना, कि शेर बाघ नहीं आने वाले, ये भागवत कथा में शेर बाघ आने वाले नहीं है, है? ये
ये क्योंकि ये माँ है ना, माँ कभी बच्चों का अमंगल कभी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि भागवत हमारी माँ है, है? अगर बच्चा कोई गंदी चीज चाहेगा भी माँ उसको नहीं देती है, ये ऐसा एक कल्पवृक्ष है, इसलिए जो कुछ मांगेंगे ये हमें सो देगा। लेकिन आप लोग थोड़ी सावधान से मांगना, देखो एक उदाहरण देकर समझाए। कहते हैं एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में एक गैया थी, उसने धन कुबेरे की आराधना की। धन कुबेरे सुने होंगे, सारे रुपया पैसा धन की जो मालिक है। अभी जब उन्होंने संतुष्ट हो गया, कुबेर जी बोले बताओ क्या चाहिए। लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण बुद्धि भी गरीब है, बोले मेरे पास में एक गैया है, खाने के लिए कुछ चुना उसे दे दो। कुबेर ने कहा देखो कितने बेकूफ है, कितने मूर्ख है, कुबेर में ही हूं मैं, इतने धन दौलत दे सकता, तू भी खा, तेरे बेटे भी खा, तेरे बेटे भी खाएगा तभी खत्म होने वाला नहीं। लेकिन कुबेर को क्या कहता है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो। इसका मतलब है वो कहते हैं हमारे टीकाकार लोग, ये भागवत तो कल्पवृक्ष है, जो मांगोगे आपको वही देगा, लेकिन हमें क्या मांगनी चाहिए ये भी हमें पता चलनी चाहिए। अगर चुना भूसी मांग लिया तो वंचित हो गए, मतलब क्या, अगर संसार का कोई सुख भोग मांग लिया, बेटा नहीं बेटा दे दो, पैसा नहीं पैसा दे दो, बेटी की शादी करा दो, वो तो अपने आप हो जाएगा, वो तो झट करा देंगे। अगर ये चीज मांग लिया, मानो जैसे कुबेर के पास में हमने चुना उसी मांग लिया, नहीं ऐसे चीज मत मांगो। ऐसे एक चीज मांगो जिसको द्वारा इसी जीवन में भी सुखी रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक सुखी सुख में रहेंगे। वो क्या चीज है, कहते भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम है, हा? भगवान की भक्ति, ये भगवान की प्रेम। देखो हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो, सब जानते हैं। देखो हनुमान जी से सीख लो, श्री हनुमान जी से सीख लो। जब श्री माता सीता को उद्धार करके जब प्रभु राम लाए, भगवान राम हनुमान के ऊपर इतने प्रसन्न है, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना ये सीता का उद्धार करना, ये आसान बात थी नहीं, तेरे ऊपर में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो जी मांग करके जो मांगोगे आज मैं सो देने के लिए तैयार हूँ। देख हनुमान जी क्या मांगते हैं, कद बार बार बर मागो हर सी देहु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हनुमान कहते हैं बोले हे प्रभु आपकी चरण में बारंबार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ। बोले क्या चीज है, आपकी चरण की अनुपायनी मतलब निष्काम भक्ति और संतों का संग, हरि कथा तेरी सेवा, हमें यही चीज दो, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप टीवी देखे हो, देखना जिस समय प्रभु राम हनुमान जी ये वर मांगे और भगवान राम शंकर ये हनुमान जी का सर पर हाथ रख दिए, ठीक उसी समय कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाया, क्योंकि यही शंकर ही ये हनुमान बन करके आए, हनुमान और कोई नहीं, ये भोले बाबा ये शंकर, उन्होंने देखा इसी स्वरूप के द्वारा राम की मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने शरीर बदला करके हनुमान बन करके आए। जब प्रभु राम जब हनुमान जी को कृपा कर रहे थे, शंकर जी बैठ करके इतने प्रसन्न हो रहे थे, बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, हनुमान शंकर है ना, बोले मेरे सर पर ठाकुर जी हाथ रखे और ठाकुर जी हमें प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे, शंकर जी प्रसन्न हो रहे वहां पर, आज मेरे जीवन धन्य हो गया। इसलिए भागवत से क्या मांगनी चाहिए, भगवान की भक्ति, उनकी सेवा और प्रेम मांगे। लेकिन इसको मांगने पर जो संसार की जो सुख है ये अपने आप आ जाती है, जैसे एक रुपया में एक आना दो आना 50 पैसा 90 पैसा 80 पैसा भी है, उसी तरह ये भक्ति को अंदर में ये सारे चीज अपने आप आ जाएगी। देखो एक संत एक कथा सुनाते थे, कहते एक समय को एक अंधा था, शंकर जी की भक्ति की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर मांगो। वो पहले सोच करके आया था मैं 3 वर मांगूंगा, पहला वर मांगूंगा अंधा मेरे आंख मिल जाए, दूसरा वर मांगूंगा कुछ धन मिल जाए, तीसरा वर मांगूंगा किसी सुंदरी लड़की से शादी मिल जाए। वो पहले ये 3 चीज सोच करके आया। जब शंकर जी संतुष्ट हुए वर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 3 वर चाहिए, बोले नहीं मैं 1 वर मांगो, जो कुछ 1 वर मांगने में अंदर में जो कुछ मांग सकता हूँ। लेकिन वो बड़ा चतुर था, बोले ठीक है, बोले मेरे को ये वर दो
मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी को पीठ ऊपर बैठ करके सोने के कटोरी में दूध चावल खाते थे। शंकर तो हमारी बड़ा चतुर निकला, राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर कौन बैठेगा? राजा महाराजा। फिर सोने की कटोरी में कौन खाएगा? राजा महाराजा। फिर बेटे को देखो, बेटा कब होगा? शादी जब हो जाए, देखो कब जब आग हो तब तो दिखेगा ना। बोले शंकर तो बोले वाह क्या भर मांगा तुमने। उसी तरह भगवान से ऐसे एक भर मांगो जो एक भर से हमें सब कुछ मिल जाए। वो क्या है? बोले भगवान की भक्ति, उनके चरण की सेवा मांगनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल ये भागवत है। ये पका हुआ फल है। बोले क्या करो? बोले भैया इसको खूब पियो। बोले आप पहले बता दिया फल है, आप बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो? बताओ खाते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पियो। कहते यहाँ पर पियो। बोले भैया पिएंगे कैसे? आप पहले फल बता दिया। बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है, केवल रसी रस है। और ये ऐसे एक रस है ना, जूस है। आप बताओ जब किसी जूस को पीते हो, फल को खाते हो, आप किधर से खाते हो? कैसे खाते हो? किधर से? मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पान कर रहे हैं किधर से पान कर रहे हैं? कानों से। बोले ये ऐसे का रस है जिसको मुंह से पी नहीं जाती, किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती है। बताए देखो, कोई चीज अगर आप मुंह से पियोगे वो नीचे निकलेगा ही, लेकिन जो चीज कानों में पियो वो कभी निकलेगा नहीं। मतलब ये ऐसे के दिव्य रस है जो निकलने वाले नहीं, ये ऐसे का रस है। बोले भैया कब तक पिएंगे? बोले आ लयम। मतलब है पी पी करके जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हो तब तक पियो। बोले उठेंगे? बोले फिर पियो, छोड़ना नहीं ये रस को, पीते रहना। बोले भैया पीते तो है, सब निकल जाती है, रहती नहीं, वो सब निकल जाती है। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ। जैसे एक घड़ा है, एक घड़ा है उसमें छेदी छेद है, जब उसमें पानी डालो क्या होगा? वो निकल जाएगी। बोले ऐसे कौन सा उपाय है, घड़े में भले ही कितने छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन उसमें पानी डालोगे ना वो एक बूंद पानी नहीं निकलेगी, उसमें एक बूंद पानी नहीं निकलेगी। आप बता सकते हो उपाय क्या है? छिद्र छिद्र तो रहेगा लेकिन पानी डालोगे एक दो नहीं निकलेगा। कैसे? नदी में रख दो, पानी में ही रख दो। हाँ ये बाबा बड़े चतुर हैं। हाँ देखो यही चीज को समझो, यही चीज को समझो। अगर वो घड़े को पानी को अंदर में अगर रख दिया, अगर भले ही उसमें जितना छिद्र है पानी निकलेगा, उसमें पानी कभी नहीं निकल सकती है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमारे अंदर में भी छिद्र ही छिद्र है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, हमारे हृदय में ना एकदम ठोस ठोस कर भरा पड़ा हुआ, हमारे अंदर में, हमारे अंदर में ठोस ठोस कर भरा पड़ा हुआ है सब चीज को। लेकिन यहाँ कहते हैं ऐसे क्या उपाय है, भले ही हमारे अंदर में जितना छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन एक बूंद रस निकलेगा नहीं। उपाय क्या है? बोले मुंह रहो। अगर ये कथा रस में हर समय अगर डूबे रहेगी फिर तो भले जितने काम करो तो क्यों नहीं हो वो हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकती। देखो जैसे हम यहाँ पर बैठे, सबका अंदर में काम क्रोध लोभ सबका अंदर में है, लेकिन अभी हमें कोई काम सता रहा है ना, लोभ सता रहा है ना, मोह सता रहे, कोई सता रहे? हम सबके सब भूल कर बैठे क्योंकि ये कथा रस में हम डूबे हुए हैं। इसलिए कहते हैं बोले भैया ये कथा रस को कौन पी सकते हैं? कहते कथा रस को कौन पी सकते? बोले सब नहीं पी सकते, केवल दो व्यक्ति ही पी सकते हैं। बोले कौन कौन? बोले एक रसिका और एक भावुक, एक रसिक और एक भावुक, केवल ये दो व्यक्ति ही ये रस को पान कर सकते हैं, ये रस को सभी नहीं पान कर सकते हैं। मतलब आप जो कथा सुन रहे हैं ना आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं है, आप लोग रसिक हो, आप लोग भावुक हो। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो बैठ करके भगवान की कथा रस को पी रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मथुरा ब्रज बनिदा सब पुष्प है मधुकर को चल अरे मोहन से दिल क्यों लगाया ए मैं जानू या पूजा Oh, God.
ये कैसा जादू चला
अरे सच्चा पागल वो है जो पागल है मेरे बाके सभी लोग ताली बजाते क्या बोलेंगे राधे राधे डरते हुए श्री ब्रह्मा को पास में गए बोले ये कलयुग से मैं बचूं कैसे बोले मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा जहां पर ये चक्र गिरे कई दिनों से वहां बैठ करके तपस्या कर रहे थे यज्ञ कर रहे थे लेकिन मन में कोई आनंद नहीं आ रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए उनको आसन दे करके बैठाए बोले हे सुतो गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से ये सारे वेद पुराण अध्ययन सबके सब किए और इसका सारा सार भी आप समझ रहे हो आप कृपा करके बता रहे हो ये कलियुग है बोले कलियुग का स्थिति कैसे है बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कला वस्मी जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य सुप द्रुता बोले ये कलियुग में प्राय करके लोग अल्प दिन जिंदा रहने वाले सत्ययुग में 100,000 साल जिंदा रहते थे त्रेता युग आ गया 100,000 से 100 हटा दो वो रह गया 10,000 द्वापर युग आ गया 100 हटा दो कितना हो जाएगा 1,000 हो जाएगा कली युग आ गया 100 हटा दो 100 फिर कली युग आएगा 100 हटा दो 10 ये भविष्य पुराण में वर्णन किया है। ऐसे दिन आएगा जो बैगन है ना आप तोड़ नहीं सकते इतने छोटे बन जाओगे बोले इतने बड़े बन जाएंगे ये वरना आई है। आप देखना हर चीज हाइब्रिड देकर बना रहे हैं पहले हर चीज प्योर होता था इसलिए लोगों को इतने बीमारी नहीं होते थे। पहले लोग का देखो कैसे शरीर में ताकत है, है? और विशेष करके फिर पहले माताएं पुरुष लोग शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते थे मसला पिसना कपड़ा साफ करना इसलिए शरीर में इतने बीमारी नहीं होती थी लेकिन अभी सारे चीज मशीन से हो अभी मशीन निकल गया मशीन में मसाला पीस दो और कपड़ा साफ करने का जरूरत नहीं वाशिंग मशीन है। इसलिए आप देखना जितने जितने बीमारी जितने मशीन निकल रहे हैं उतना बीमारी ये साइंस
जितने एडवांस एक तरफ में कर रही है दूसरे तरफ में उतना हानि कर रहा है। अभी जो ये एटम बम निकल रहे हैं आप पता होगा एक दूसरे दूसरे देश को धमकी दे रहे हैं हम ऐसे एटम बम फेंक पूरा दुनिया खत्म कर देंगे हैं, एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए मोदी भी बड़े बड़े मशीन को खरीदी कर रहे हैं हाँ, इसलिए सारे पैसा ऐसी चीज गंदी गंदी चीज में सारे पैसे जा रहे हैं सबके सब। इसलिए बोले प्रायण अल्पायु खैर कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत हो। आप पता होगा पहले पहले आप अपना मैया को देख लो आपको पिताजी को देखना पहले लोग क्या करते थे सवेरे नहा धो करके सबसे पहले ठाकुर जी आरती उतारते थे ठाकुर जी गोपाल जी को स्नान कराया करते थे। अब देखना सबके सब घर में रामायण भागवत और गीता पढ़ते थे। लेकिन कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत हो फिर इंटरनेट स्मार्टफोन फिर इसमें ही शादी करके इसमें डाइवोर्स कर लेते हैं इसमें शादी करके उसमें डाइवोर्स कर देते हैं। आपको पता होगा ये स्मार्टफोन है कितना जियो क्या नाम था जियो जियो नहीं इसका नाम मरना रखना चाहिए था इसने उल्टा रख दिया जियो वो जियो नहीं मरना रखना चाहिए था। कुछ दिन पहले न्यूज पेपर में आया था इसमें पढ़ रहा था कहते पिता माता ये मोबाइल को लेकर के बच्चों के लिए कितने परेशान उसमें 20 कारण उसमें दिखाया था बच्चे कैसे गलत रास्ता पर जा रहे हैं इतने गलत रास्ता पर जा रहे हैं बच्चे लोग। आपको ज्यादा इस विषय में पता होगा दिन भर इसको लेकर के पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कोई एक बेटा शायद आपको पता था गुड़गांव में वो क्या कंप्यूटर में क्या देख रहा है ग्रेटर नोएडा देख रहा था उसको मैया ने छीन लिया तो जिसमें क्रिकेट खेलते ना उठाया और मैया मारते मारते मैया को तो खत्म कर दी फिर बहनी ने कुछ बोल दी बहन को भी खत्म कर दी और घर से पैसा लेकर भाग दिया। मतलब आप बच्चे को ना कुछ बोल नहीं सकते उस विषय पर बच्चों को ही बोल नहीं सकते। पहले तो बच्चों को माता पिता थप्पड़ मारते थे गलत काम करते तो सही रास्ता पर लगाते थे बोले रामायण पर आपके बच्चों को बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो। देखो इंडोनेशिया के नाम सुने होंगे अभी हमारे भारत से मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे बोले क्यों बोले ये रामायण में इतनी अच्छी अच्छी बात है जैसे भगवान राम है बोले प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमै भगवान सर्वप्रथम सवेरे उठकर क्या करते थे अपना गुरु जी की पिता माता को पहले चरणा छूते थे। अभी कोई छुता है बता हम दुनिया में जाते हैं हर जगह में एक ही बात सुनते हैं हर पिता माता कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो पहले इन्होंने तो पुराना पहले है ये लोग सब पुराना है अभी ये नए बच्चे जो अभी अभी जन्म हुए हैं इनकी बात बताओ ये लोग तो पुराना लोग हैं। आप लोग के अंदर में संस्कार पड़ा हुआ है आप लोग के अंदर में ये संस्कार पड़ी हुई है पहले का संस्कार। इसलिए हम सारा दुनिया में जाते हैं हर घर में यही बात कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते ये नए हैं एक बात अपने बच्चे नहीं सुनते बहुए सुनती है आजकल बहु ये पुरानी है ना ये तो पुरानी है ये पुरानी है अभी जो बच्चे आ रहे हैं अभी जो स्मार्टफोन के जो बच्चे हैं इनकी बात है हाँ जो नया साल कब होता है अपने हिंदुस्तान में ये पूछो आपको किसी पे मालूम है सबसे अलग अलग क्या किया आपने नौ वर्ष का बात है इनमें यही बात है। आपको पता होगा बम्बे में अभी आग लग गई ना बम्बे में बिल्डिंग में आग लग गई थी वो लोग वही कुछ मना रहे थे आग लगी तो 14 आदमी मरे इसलिए हमारे जो नए साल है ना ये अंग्रेजियों का जनवरी जो